नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के विरोध में राजद के शनिवार के बिहार बंद को लेकर सड़कों पर जगह जगह उपद्रव मचाया गया। बंद के ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने अहिंसक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया था। बंद में संभावित हिंसा को लेकर बिहार पुलिस ने राजद नेताओं को आगाह भी किया था, लेकिन बंद के दौरान हिंसक गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई जा सकी। इस दौरान आम लोगों के साथ मीडिया भी बंद समर्थकों के निशाने पर रहा। इस बीच पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। अब पटना पुलिस तेजस्वी यादव समेत पार्टी के बड़े नेताओं और उत्पात मचाने वालों पर केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। हिंसा और उत्पात पर पटना पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। इस पर संज्ञान लेते हुए शनिवार पुलिस प्रशासन कागजी कार्रवाई में जुट गया है। इस दौरान स्थिति की समीक्षा और सीसीटीवी फुटेज जैसे साक्ष्य और मजिस्ट्रेट के बयान के आधार पर पटना पुलिस एक साथ कई केस दर्ज करने की तैयारी में जुटी है। पुलिस राजद नेता तेजस्वी यादव, रघुवंश प्रसाद सिंह, जगदानंद सिंह, भाई वीरेंद्र, कांग्रेस नेता मदन मोहन झा, विधायक शकील खान समेत उन सभी लोगों पर केस दर्ज करेगी जो डाक बंगला चौराहे के पास प्रदर्शन में शामिल थे। हिंसा करने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, प्रबंधित क्षेत्र में गैर कानून तरीके से मजमा लगाने के अलावा अराजकता फैलाने के आरोप तय किए हैं। वीडियो फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। इस पूरे हंगामे में एक दैनिक अखबार के फोटोग्राफर को बुरी तरह से पीटा गया था। नेशनल चैनल के पत्रकार प्रकाश सिंह के साथ सबसे पहले बदसलूकी करने वाला कांग्रेस नेता आशुतोष शर्मा था।